नागपुरात पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत तसेच तहसील पोलीस स्टेशन द्वारा आयोजित मोहजाल या नाट्याचे आयोजन करण्यात आले होते, तर 30 युवा नटांनी यात सहभाग घेऊन हे प्रेरणादायी नाट्य सादर केले। यावेळी अनेक पोलीस कर्मचारी तसेच प्रेक्षक उपस्थित होते। नागपूर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत तहसील पोलीस स्टेशनतर्फे आयोजित तसेच रंजन कला मंदिरद्वारा निर्मित मोहजाल हे नाट्य तहसील पोलीस ठाणे येथे 30 युवा आर्टिस्टद्वारा प्रदर्शित करण्यात आले होते। समाजाला एक प्रेरणा मिळावी तसेच व्यसनमुक्ती व्हावी या उद्देशाने हे नाटक सादर करण्यात आले होते। यावेळी प्रेक्षकांनी सुद्धा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला होता, तर अनेक पोलीस कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते। डॉक्टर साधना थोटे तसेच दिग्दर्शक संजय पेंडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमन गाठे, आर्यन भाटी, व्यंकटेश आयचित तसेच नचिकेत साळकर इत्यादींनी सहभाग घेतला। नागरिकों में जनजागृति के लिए और व्यसन मुक्ति के लिए हम रंजन कला मंदिर द्वारा आयोजित मोहजाल इस नाटिका का आयोजन हमने नागरिकों के लिए किया है, जिसमें तहसील पुलिस थाने के अंतर्गत आए सभी नागरिकों को हमने यहाँ पे आमंत्रण दिया है। और इसके प्रमुख दिग्दर्शक श्री संजय जी पेंडसे सर है, थोटे मैडम है, जिन्होंने ये कार्यक्रम नाटिकी का आयोजन किया है। इन सभी ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में सेवा देकर यह संदेश, अच्छा संदेश जो व्यसन मुक्ति के खिलाफ, ये व्यसनों से मुक्ति करने के लिए, समाज को संदेश देने के लिए नाटिका का आयोजन यहाँ पे किया गया है। परिचय ने मैं मेरा नाम संजय पेंडसे है और मैं करीबन 50 साल से ड्रामा कर रहा हूँ। और हमारी संस्था जो है रंजन कला मंदिर, ये दंतुली में पार्क के पास है। पुरुषोत्तम दारवेकर, जिन्होंने कट्यार का आजाद घुसली करके नाटक लिखा, पिक्चर लिखा, उनकी ये संस्था है जिसको 70 साल हुए। तो मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ और हम लोग काफ़ी सारे नाटक रंजन कला मंदिर के माध्यम से करते हैं पूरे भारतवर्ष। ये नाटक करने का उद्देश्य ऐसा है कि आज नशाखोरी बढ़ रही है। अपने बगल का बच्चा जो युवक है या युवती है, ये नशा कर रही है, अपने को पता नहीं लगता, क्योंकि नशे में भी अलग अलग प्रोसीजर निकल रही है, अलग अलग तरीके हो रहे हैं। पहले नशा करने से स्मेल आता था, पता चलता था, अभी वो सो लेता है। लेकिन अगर एक जन को नशे की लत लगती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी नहीं, उसके फैमिली की तबाह हो जाती है। और इसको बचाने के लिए नागपुर में ये हमें ये जो प्रेरणा मिली है, ये राजमाने सर से मिली है कि ऐसे लोगों तक ये विषय पहुंचना बहुत जरूरी है। VKB न्यूज साठी कैमरा पर्सन रोशन बोकडे सह वैदेही चव्हाण यांची रिपोर्ट। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।